हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है टीजी फैक्ट्स। उन्होंने मुझसे सन 2017 की एक ड्वेल गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। ड्वेल गेम से मेरा मतलब है दो खिलाड़ी एक तरफ और दो खिलाड़ी एक तरफ। मैग्नस कार्लसन और क्रिस फ्लॉर्स वर्सेज गैरी कास्परोव, टेरी चैपमैन। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। यह मैग्नस कार्लसन और क्रिस फ्लॉर की टीम ने E4 के साथ शुरू किया। कारुकान डिफेंस यहाँ गैरी और टेरी की टीम ने शुरू किया। D4 हुआ, D5 नाइट, D2 Dxe4 नाइट Xe4 Bf5 नाइट पर प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं, क्वीन लग गई उसी नाइट पर और उल्टा बिशप पर अटैक बना है। तो E6 यहाँ ब्लैक ने पहले किया, C3 देन नाइट D7 स्क्वायर पर, बिशप आया F4 स्क्वायर पर, तो क्वीन B6 B2 पॉन पर अटैक है। इसका डिफेंस क्या है? बिशप को D3 स्क्वायर पर लाना, किस तरह से? अगर ब्लैक Qxb2 के लिए जाएगा तो रुक B1 स्क्वायर पर होगा, क्वीन को ए फाइल में ही आना होगा, देन रुक टेक्स B7 होगा और सेवंथ रैंक में व्हाइट का रुक बहुत जल्दी पहुंच चुका होगा। तो बिशप टेक्स E4, बिशप टेक्स E4, नाइट एट जी गोज टू F6, बिशप पर प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट E2 यहाँ व्हाइट ने किया, नाइट टेक्स E4, क्वीन टेक्स E4 और B1 स्क्वायर पर कोई ना कोई डिफेंस जो रुक को सपोर्ट करेगा वो जरूर यहाँ अभी व्हाइट ने मेंटेन रखा है। बिशप E7 फ्रॉम ब्लैक साइड और इसके बाद यहाँ दोनों साइड का कैसल आया, क्वीन C2 और कहीं जाकर यहाँ पॉन पर डिफेंस भी हो गया। रुकेट गोज टू E8, देन रुकेट गोज टू E1, C5, तो रुकेट ए गोज टू D1, रुकेट ए गोज टू D8, देन हुआ D5, E takes D5, रुक टेक्स D5। गेम मैं कहूंगा कि काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। यहाँ से क्वीन गई E6 स्क्वायर पर, डायरेक्टली यहाँ रुक पर अटैक है, तो रुक D1 यहाँ व्हाइट का मूव आया, नाइट F6 और फोर्सिंग यू कैन से दैट रुक एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ व्हाइट अगले मूव में क्या थ्रेट दे रहा था? अगले मूव में थ्रेट आ रही थी अपने बिशप को C7 स्क्वायर पर ले जाना कर, सॉरी रुक पर अटैक बनाने की। खैर, अब तो रुक एक्सचेंज करने ही होंगे। रुक टेक्स D8, बिशप टेक्स D8, देन नाइट G3 स्क्वायर पर, नाइट का G3 स्क्वायर पर आना, देखते हैं क्या होगा। क्वीन टेक्स A2 पॉन लिया, कॉर्नर का पॉन मिडिल गेम में कई बार नुकसान भी हो जाता है, लेकिन गैरी कास्परोव और टेरी चैपमैन की अपनी प्लानिंग रही होगी। नाइट F5, क्वीन गई E2, E6 स्क्वायर पर, वापस नाइट पर कोई प्रेशर, क्या ये नाइट क्या करने वाला था? मुझे नहीं लगता चेक भी देगा, हाँ कुछ इस तरह के गेम प्ले तो हो सकता था। खैर, H3, H पॉन पुश जरूरी भी है, ब्लैक यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम में है बैक रैंक चेक मेटिंग थ्रेट्स से, तो नाइट H5 यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए चेस इंजन रिकमेंडेशन है, लेकिन नो इश्यूज, नाइट E4 भी कोई बुरा मूव नहीं है। हाँ, क्वीन A4 स्क्वायर पर ले जाने का मौका यहाँ पर मैग्नस कार्लसन और क्रिस फ्रॉस की टीम को यहाँ मिलता है और रुक पर प्रेशर जरूर बनता है। क्वीन को नहीं हटाया जा सकता, यानी कि क्वीन से नाइट नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज सीधा बैक रैंक चेकमेट है। तो बिशप D6 वेटिंग मूव खेला और मेरे ख्याल से रुक D5 भी अफोर्ड किया जा सकता था। मैंने कहा कि रुक पर अटैक तो है ही और साथ ही साथ दोनों रुक को लिया, रुक और नाइट को लिया ही नहीं जा सकता। क्या क्वीन को D7 स्क्वायर पर पहले यहाँ पर व्हाइट ने लिया और मैग्नस कार्लसन की इंटेंशन है क्वीन एक्सचेंज हो जाए, सेवंथ रैंक में अपना रुक पहुंच जाए जो प्रेशर बनाने के लिए बहुत रहने वाला है। खैर, C4 खेला गया, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज की कोशिश है नहीं किए यहाँ, नाइट गया C5 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से व्हाइट इस गेम को यहाँ तक अच्छा खासा डोमिनेट कर रहा था, कोई गलती भी ऐसी कुछ खास नहीं की अभी तक, सब कुछ ठीक है। क्वीन पर अटैक जरूर बनाए, तो क्वीन टेक्स E6, एफ टेक्स E6 करके नाइट पर यहाँ अटैक बनाया है। नाइट पर अटैक बनने की वजह से, खैर नाइट को तो हटाना ही होगा, लेकिन किंग के लिए एक रास्ता खुलता है, बिशप टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, यहाँ तक इस गेम के अंदर सब कुछ किया जा सकता था। नाइट G3 वॉज बेस्ट ऑप्शन, लेकिन नाइट D6 को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। मुझे नहीं लग पता कि ये मूव मैग्नस कार्लसन ने चला या क्रिस फ्लॉर्स ने चला, क्योंकि गैरी कास्परोव इस मूव को कम से कम नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने अपने रुक को D8 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ अनडिफेंडेड रुक होने की वजह से नाइट को ही पिन कर दिया है और अनफॉर्चुनेटली जो विनिंग पोजीशन यहाँ मैग्नस कार्लसन के पास थी उन्हें यहाँ रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये ड्यूअल गेम आपको जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।